नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज यानी शुगर के बारे में। अब आप ध्यान रखिए, ब्लड शुगर का चीनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के साथ कनेक्शन है। हमेशा याद रखिए इस बात, डॉक्टर भी जानता लेकिन बताता नहीं कोई। क्यों नहीं बताता? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम ज्यादा करना तो हमारे हाथ में है। मैंने बता दिया, इतनी सरल क्रिया थोड़ी देर पहले, आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर आपको ऐसे कहेगा, हो ये तो ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना, जिंदगी भर ये टेबलेट खाना। अब जिंदगी भर ही खाना है तो तुम किस बीमारी के लिए हो? डायबिटीज के रोगी जो अब तक डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, इस देसी दवा को लेने के बाद वो चक्कर लगाना हो जाएगा बंद। दोस्तों आइए जानते हैं राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे अचूक उपाय जो डायबिटीज को तुरंत ही ठीक करने में सहायक होंगे। अगर आपके शरीर में शुगर की बीमारी है, मतलब डायबिटीज की बीमारी है, तो भगवान ने उसको ठीक करने की दवा भी आप ही के घर में रखी है, ऐसा कहना है राजीव दीक्षित जी का। डायबिटीज अगर ठीक करना है तो घर में मौजूद मेथी का दाना लीजिए, उसको पीस कर उसका पाउडर बनाइए। मेथी दानी के साथ थोड़ा सा करेला लीजिए, करेले को धूप में सुखाकर उसका भी पाउडर बना लीजिए। अगर आपके घर में जामुन की गुठली मिल जाए तो उस गुठली को भी सुखाकर उसका भी पाउडर बना लीजिए। अगर जामुन घर में है तो ठीक है, नहीं तो बाजार से भी खरीदकर जामुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आपके आसपास यदि कोई नीम का पेड़ हो तो उसकी निम्बोली को सुखाकर उसका भी पाउडर बना लीजिए, और बेल पत्थर के पत्ते सुखाकर उसका भी पाउडर बना लीजिए। अब हमारे पास मेथी दाने का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर, नीम की निम्बोली का पाउडर, बेल पत्थर के पत्ते का पाउडर और करेले का पाउडर, ये पांच चीजों का पाउडर उपलब्ध हो गया है। अब इन पांचों पाउडर को मिलाकर इसे गुदमार्क के साथ मिला लें। गुदमार्क एक तरह की घास होती है जो किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाती है। इन सभी दवाओं को बराबर मात्रा में भरकर एक शीशी में रख लीजिए। ये डायबिटीज की बहुत ही अच्छी दवा है। अब इस दवा को लेना कैसे है? इस पाउडर को एक चम्मच गर्म पानी के साथ सुबह और शाम लेना है। एक चम्मच पाउडर और एक चम्मच गर्म पानी, वो भी खाने से लगभग एक घंटा पहले। अगर आपने नियमित रूप से इसे लेना शुरू किया तो इस दवा से आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, ये दावा है राजीव दीक्षित जी का। अब ये सब लेने के बाद कोई डायबिटिक पेशेंट है, मैंने आपसे बोल दिया है कि भगवान का बनाया हुआ कुछ भी मीठा खाइए, आदमी का बनाया हुआ मत खाइए, चीनी नहीं खानी, आदमी की बनाई हुई है, गुड़ भगवान का बनाया हुआ है। और फिर अगर आप सामान्य रूप से आधे आधे घंटे अनुलोम विलोम और कपाल भाती, ये दो प्राणायाम यदि कर लें सुबह और शाम दोनों वक्त, इसको करने से भी आपकी शुगर और भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त शरीर की और भी यदि बीमारियां हैं तो वो बीमारियां भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और जब आपकी शुगर ठीक हो जाए या सामान्य हो जाए तब ये दवा लेना बंद कर दें, परंतु प्राणायाम को चालू रखें। प्राणायाम की मदद से जिंदगी भर दोबारा डायबिटीज कभी नहीं होगी, ये दावा है आयुर्वेद का और राजीव दीक्षित जी का भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना डायबिटीज को दूर करने का बहुत ही साधारण सा तरीका, परंतु अचूक है ये तरीका। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस उपाय को अपनी जिंदगी में जरूर लागू करेंगे और डायबिटीज से जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी और बीमारी का इलाज लेकर। धन्यवाद।